नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज में। कोविड के बाद कहीं ना कहीं रंग जमता हुआ नज़र आ रहा है, कह सकते हैं जिंदगी पटरी पर आ रही है और छात्राओं में उत्साह साफ तौर से यहाँ देखा जा सकता है। दीपावली उत्सव कैसे मनाया जा रहा है जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले प्रणाम। मेरा नाम प्रोफेसर सतीश सिंगला है, मैं यहाँ वाणिज्य विभाग में अध्यक्ष हूँ। जी सतीश जी, कह सकते हैं एक लंबा अरसा रहा, कोविड का एक जो दौर था वो कहीं ना कहीं चिंताजनक रहा, आज खुशियां नज़र आ रही हैं चेहरों। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये वाणिज्य विभाग ने हमारे यहाँ एक महिला प्रकोष्ठ है, वीमेन सेल, EDC क्लब है और NSS है। हम सब चारों विभागों ने मिलकर एक संयुक्त प्रयास किया है कि महाविद्यालय में एक ऐसा कार्यक्रम रखा जाए जिसमें बच्चे अपने टैलेंट का शो भी कर सकें और बच्चों को एक रिफ्रेशमेंट भी मिले, जैसे कि कोविड के बाद बच्चे चाह रहे थे, पढ़ते पढ़ते बच्चे बोर जाते हैं, इसलिए हमने इसको एक दिवाली फेस्ट का नाम दिया। और इस कार्यक्रम में वाणिज्य विभाग के बच्चे, NSS के और कॉलेज के अन्य विभागों के बच्चों ने भाग लिया है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने और विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं। प्रत्येक स्टॉल में बच्चों ने अपने हाथ से बनी वस्तुओं का प्रदर्शन किया है और हमने बच्चों को ये सिखाने के लिए कि बिजनेस को कैसे चलाया जाता है, बच्चों ने स्वयं अपने लेवल पे, टीचर्स ने केवल उनको मार्गदर्शन किया है, बच्चों ने अपने स्तर पे सारा फंड अरेंजमेंट किया है, कलेक्शन किया है, टिकट सिस्टम बनाया है और सारे इस कार्यक्रम का खर्चा बच्चों ने स्वयं ही अपने ऊपर लिया है। तो बच्चे इस चीज़ को काफ़ी लेके काफ़ी खुश है कि हमें सीखने को एक टीम वर्क के रूप में बहुत कुछ मिला है और पैसा कैसे कमाया जाता है ये भी हमें हुनर यहाँ से मिला है। क्या नाम? शायना तेरिया। आप बताएं कैसे तैयार किया तमाम बच्चों? मैं यहाँ कॉमर्स विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, साथ में NSS यूनिट की PO भी हूँ। तो यहाँ NSS का मेन काम यही होता है कि यूथ के अंदर लीडरशिप लाई जाए, उनको मैनेजमेंट स्किल और सेवा भावना दी जाए। तो हम यहाँ सब अरेंजमेंट जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या जो मैनेज कर रहे हैं बच्चे NSS के हैं, उन्हें थोड़ा बहुत समझाने की ज़रूरत है, बाकी बच्चे सब अपने आप मैनेज कर रहे हैं। ये उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करेगा और आगे जाके उनमें मैनेजमेंट स्किल डालेगा। तो मैं सब बच्चों का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बच्चे आगे आए, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम मैनेज किया और यही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि बच्चे को आगे लेकर आए ताकि उनकी पर्सनैलिटी डेवलप हो और वो आगे अपने करियर में जाकर और ग्रूम करें। बहुत सुंदर। नमस्कार सर, मेरा नाम हिना पहुजा है, मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉमर्स में और वुमेन सेल और EDC क्लब जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्लब उसकी मैं अधिकारी हूँ। तो ये सब जो स्टॉल्स आप देख रहे हो हमारे ही बच्चों ने लगाए हैं, साथ में PG कॉलेज के भी कुछ बच्चे आए हैं। तो मेरा ही काम है कि जो बच्चे आजकल, आप सबको पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्किल्स बढ़ाना, उसके लिए हम बच्चों का स्टार्टअप में, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो है इनका स्टार्टअप में रजिस्टर्ड है। उसके अलावा हमने और भी बच्चों को मोटिवेट किया है, जो ये खाने की भी स्टॉल्स है बच्चों ने खुद बनाई है, खुद घर से बना के लाए और खुद सर्व कर रहे हैं। तो हम उनमें ये कला अपनाना चाह रहे हैं कि इनको आप बिजनेस में कन्वर्ट कीजिए, इससे इनकम कमा सकते हो, ताकि सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी पे या प्राइवेट नौकरी पे नहीं, आप खुद उद्यमी बनो और नौकरी देने वाले बनो। तो यही हमारा है। अकाउंट्स और मैथ्स की बात करने वाले लोग जो है बड़ी रचनात्मक चीज़ें कर रहे हैं, है ना, बड़ी हैरानी की बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखिए, जहाँ तक वाणिज्य की बात है ना, वाणिज्य तो हर चीज़ में है। एक संस्कृत का टीचर भी वाणिज्यिक रूप दे सकता है, हवन करवा के और जजमानों को बुला के उनसे दान ले सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो वाणिज्य किसी वाणिज्य सब्जेक्ट की बबोती नहीं है, हर विषय में वाणिज्य उत्पन्न किया जा सकता है यदि टीचर और स्टूडेंट प्रयास करें। वाणिज्य में मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इन्हीं से ही फंक्शन होते हैं। बिना वाणिज्य के तो ये बिजनेस इंप्रूव ही नहीं कर सकता है। वाणिज्य का काम ही क्या है, इन बिजनेस को इंप्रूव करना, एक जगह से दूसरी जगह सामान उपलब्ध करवाना, यही हमारा सिखाने का काम है। भाई आप लोग कुछ बोलेंगी, बताएं। मैं सरोज, BCOM फाइनल की छात्रा हूँ और हमें यहाँ पे मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं ये बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे सर ने हमें बहुत मोटिवेट किया कि हम एंटरप्रेन्योर कैसे बने और हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय भी किया और हमें ये भी साथ में सीखने को मिला कि जो अपने अंदर की स्किल है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। क्या नाम है आपका? गीतांजलि। आप बताएं क्या मजा आ रहा है आज? बहुत बहुत ज्यादा, जितना हमने सोचा था उससे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे। हाँ जी। कोविड का दौर कैसे गुजरा? घर पे रह के कमरे बंद। सारी जो ऊर्जा आप लोगों ने संचयित की थी, एकत्र की थी, यहाँ निकल गई। हाँ जी। बेटा क्या कहेंगे? सर आज का दिन बहुत स्पेशल है हमारे लिए, हमारे कॉलेज में फर्स्ट टाइम दिवाली फेस्टिवल बना रहे हैं और हमारे टीचर भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और सभी कॉलेज में, पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता, हमारे टीचर हमारे साथ बहुत हर जगह खड़े रहते हैं।